कॉन्ग्रेचुलेशंस। Yeah. सारे निकले रात में गेडी ये काटे ने जेडी ये हाथ में काडल पैक गल के लौंडे ये गम के नोटा के मामले मैटर ने थामल रे मामे ना करते कलेस घर से ना करते अरेस्ट इंगे कुआ न डरते फिर hey, yo, what is up, बदमाशियां कैसे आप सारे आए हो आप सब बढ़िया होगे मस्त होगे चोकस होगे बढ़िया वेदर एंड पेस होगे बिल्कुल तुम्हारे अपने भाई की तरह। आज मैं हो चुका हूँ फिर से लेट। हमारे को बुलाया था उसने 12 बजे जन्म ने और हम हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा लेट। मेरे को हो गया इस टाइम पे 12 बज चुके हैं यहाँ पे तो। और आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है सनम के लिए भी, हमारे लिए भी। सनम खोल रहा है अपनी क्लाउड किचन और वो भी अपना जीटी करनाल रोड के पास ही। सो यस गाइस लेट्स गो, वहाँ पे आज हवन वगैरह था सारी चीज़ें थी, आपको दिखाते हैं, चलते हैं, मिलते हैं सारे दोस्त यार जो भी आए होंगे वहाँ पे, वहाँ पर अपना वीडियो शूट करेंगे, यहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। मैं पगड़ी बांधता हूँ मैं फटाफट से रेडी होता हूँ, लेट्स गो। तो गाइस मैं हो चुका हूँ पूरा रेडी। क्या कर रहा चौकस लग रहा हूँ बढ़िया। तो अभी हम निकलने लगे हैं, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 1 बज चुका है, बट मेरी नोमेश से बात हो चुकी है, वो कह रहा है कि भाई अभी हम खुद भी नहीं पहुँचे हैं तो आ जा तू आराम से आ जा, तो हम आराम से जा रहे हैं। ठीक है लेट्स गो। चलो हम दोनों रेडी हो चुके हैं, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, और मैं बढ़िया लग रहा हूँ। ये उसी ने गिफ्ट करी है मुझे गाइस, ये रही, तो मैंने सोचा कि आज ही पहन लूँ टर्बन के साथ, ज़्यादा बेटर लगूंगा। Let's go guys, चलो। फिलहाल मैं निकल चुका हूँ और टाइम कितना हो रहा है अभी, डेढ़ बज चुका है गाइस, हम बहुत लेट हो चुके हैं दोनों ही और अब जा रहे हैं, बट हम लेट नहीं हुए क्योंकि सनम अभी तक पहुँचा नहीं है, तो जब सनम पहुँचेगा तभी मतलब बनता ना हमारा भी पहुँचने का, हम पहले जाके क्या करेंगे और कुछ भी नहीं। चलो लेट्स गो गाइस, चलो। साहूकार सॉरी भाई, मुझे माली खाने वाले काम करता है, हमेशा लेट पहुँचता है। नाम नहीं, थैंक यू सो मच। चल क्या हाल है रे भैया, कैसे हो, ठीक हो? व्लॉग में बनाओ कोई चक्कर नहीं आया। हाय भाभी कैसे हो आप, ठीक हो? हां बहुत लेट आए हैं, क्या हाल? ठीक है। सबसे पहले मैं ही आया हूँ एक तरह से, अच्छा वो साथ तैयार होके जो है मैं आया हूँ सबसे पहले। थैंक यू भाई। हर बार गंदा गिफ्ट लाता है, हर बार इतना सेम टाइम पे मैच हुआ ना हमारा दिमाग ठीक लगता है। गंदा गिफ्ट तुम ले भाई, 2% अरे भाई देखो सही मीनिंगफुल है, 2% मेरा नाम रखा ना जल्दी बोल, टैड फैड रुकना नहीं है, गैस भी नहीं करना, टैड फैड नहीं भाई ऐसे चेक मत कर अब, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे छोटी गन लग रही है। मैं बता रहा हूँ, बता बोल ले यार, मैं बता रहा हूँ किचन सेट है। किचन खोली है, घर पे प्रैक्टिस नहीं करेगा ओ तेरी कसम।
इसी पे खाना बना के खिलाऊंगा काउंटर पे। बढ़िया लग रहा है भाई, गैस से बड़े तो वो है इसको कुकर, तुझे पता होगा अब तो। यू बिलोंग टू किचन ब्रो। अब हम लड़कियों को किचन जोक नहीं मार सकते क्योंकि तो खुद भी रहता है अब। बढ़िया गिफ्ट भाई, सुंदर, जल्दी है ना पास्ता ये भी गोल। क्या दिया जिनी भैया? कह रहे पता नहीं, नशे में दे दिया। दो बियर पीने के बाद ले आया कुछ भी, इंक दे दी अगले बार के लिए। अरे फरवरी का टैटू है इसमें। 40,000 रुपए का? 60 का था। 60 का? तू अपने 20 कम करता हुआ था। गाड़ी इसकी चाबी ले जाना। इतनी लंबी पैकिंग तरीके से पैकिंग कर भाई, हर चीज से खुद करी है? हर चीज से करो। क्या तेरी वॉलेट, ओ तेरी नजर बट्टू, तुम ही लटक जाते वहां के, ये क्यों लाए हो? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जिन्नी भाई को तगड़ा ही लाते हैं, तगड़ा ही लाते हैं। काम काम चलते रहना चाहिए। आइए काम चलता ही रहेगा। अभी ऐसे कर रहा था, आजो आजो आजो, नई गाड़ी भी देख लो, टॉप मॉडल है। बस ये 4x2 है। हाँ, ये 4x2 है बस। बढ़िया लग रही है। हाँ, इसमें बटन बहुत सारे दे रहे हैं। किसी का भी बटन दबा दो। इतने मेरी वाली में टच है। हाँ भाई, मैंने देखे उसके अंदर तो एक भी है ना, क्या कहते हैं, एक एक क्लिक करोगे तो और चेंज हो जाएंगे उसके अंदर, है ना, मैंने ये देखा हुआ है। हाँ, डिक्की तो होती नहीं इसकी जी, इतनी सी रहती है, पर खुशबू मारती है पूरी। अच्छी लग रही है ना भाई, आपकी तो मुझे बहुत पसंद है। ये तो बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई, बराबर बात है, यही करती है अपनी सबकी है। कांग्रेचुलेशंस, ये खा, कॉन्ग्रेट्स मेरी जान, कर मेहनत कर बहुत। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन माय ब्रदर, माय जी, माय एच, माय आई, माय एल, माय ओ, माय वी, माय ई, यस, सेकंड जी जा रहा हूँ टाटा भाई, जान दे दो। इससे तो तेरी लड़ाई हो रही थी। ओए, हम दोनों की लड़ाई नहीं हो रही थी। ओए ओए, बदतमीजी नहीं, पुंटो यहाँ खड़ी है डेढ़ महीने से चलो, ओके 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 ब्रो, रिकॉर्डिंग में मिलते हैं, रिकॉर्डिंंग में मिलते हैं। डन, निकाल दी ईपी, ईपी कर दे भाई। क्या होता है अभी पता लगेगा। ओके भाई, प्रोडक्शन गुड नाइट टाटा, नमस्ते आंटी, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक है आपको, तुझे भी। हाँ बिल्कुल। सो फाइनली गाइस, मैं आ चुका था घर और भाई को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, दिल से बहुत खुशी है भाई के लिए। भाई ने अपनी क्लाउड किचन खोल लिया मंच नेशन के नाम से, उसकी लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। जब भी आपको कहीं खाने पीने के लिए जाना हो तो भाई का प्लीज जाकर क्लाउड किचन जरूर चेक करना, वहाँ पर आपको कार में सर्विस मिल जाएगी, हर चीज़ की, मतलब हर चीज़ की मिल जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी। और भाई इंजॉय करना है वहाँ पर जाके, और बताना भाई, फूड रिव्यू करना वहाँ जाके, सारी चीज़ें करना, और भाई को पूरा पूरा प्यार दिखाना, भाई को पूरा सपोर्ट करना। एक दो महीने बाद स्विगी जोमेटो पे सब पे आ जाएगा मंच नेशन के नाम से, जीटी करनाल इंडस्ट्रियल एरिया में, पूरा प्यार दिखाना। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। यू नो गाइस, आई लव जूस, बदमाश गैंग, फुल पावर, ओपी। लगदा के तू मेरी हुण बने जाना सिंगर।